ट्रांसपोर्ट नगर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सरकार बदलती गई, नेताओं का आश्वासन यहां के लोगों की पीड़ा को कम करने का मलहम बन गया, लेकिन नहीं बन पाई तो यहां की सड़कें लगभग 1.5 से 2 फुट गहरे गड्ढे में। वाहनों का आवागमन वाहन चालक और वाहन मालिक दोनों की ही कमर तोड़ देता है। यहां के कायाकल्प को लेकर राज्य सरकार ने बजट तो पास किया है, लेकिन अधिकारियों की कार्यवाही शून्य है। इस्पात नगरी के हृदय स्थल में जड़ा नगीना ट्रांसपोर्ट नगर अपनी शैशव अवस्था में ही अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। भिलाई के बसाहट के समय ट्रांसपोर्ट नगर जीई रोड पर स्थित था, जिसे तात्कालिक साडा अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने हथखोज में एक प्लानिंग के तहत बसाया। छोटे बड़े सभी ट्रांसपोर्टरों को उनकी सुविधा अनुसार जमीन आवंटित की। शुरुआती दौर में चौड़ी सड़कें, पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली की सुविधा का लाभ मिलने की चर्चा ने व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित किया। लगभग 30 साल की उम्र में ट्रांसपोर्ट नगर ने कांग्रेस और भाजपा शासनकाल का दौर देखा। इस दौर में सड़कों के नाम पर गिट्टी के ऊपर मिट्टी डालने की कवायद भी देखी। शासन के नुमाइंदों ने जहाँ एक ओर कायाकल्प का फरमान जारी तो किया, लेकिन राशि का उपयोग अधिकारियों ने अन्य मद में खर्च कर अपने कार्यों से इतिश्री कर ली। हालत बद से बदतर होते चले गए। सड़कों ने गड्ढों का रूप ले लिया। हल्का भौगोलिक क्षेत्र में प्लाट नंबर 177 के सामने की सड़क किसी नदी के पानी मुहाने से कम नहीं है। दो पहिया वाहन चालक या तो 2 फुट गहरे गड्ढे से होकर जाएं या फिर जान का जोखिम उठाएं। ट्रांसपोर्ट नगर में सबसे ज्यादा बदहाल स्थिति बरसात के मौसम में होती है। यहाँ पर निर्मित गड्ढों में लोग मछली पालन कर अपनी जीविका यापन करते हैं। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों के कायाकल्प के लिए 56.21 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे कि आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके। यहाँ तो सड़क का है, यहाँ तो मतलब गड्ढे में सड़क है, सड़क तो है नहीं, पैदल चलने लायक यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। कि आदमी हम लोग व्यापारी लोग कहते हैं डेली कोई ना कोई इस गड्ढे में गिर जाते हैं, पत्थर उड़ के आता है, गिर जाता है, किसी न किसी को पत्थर से लग जाता है, चलने लायक है ही नहीं। 10 साल से सुन रहे हैं कि इतना करोड़ आया है, इतना करोड़ आ रहा है, रोड बनेगा, ट्रांसफॉर्मर का उधार होगा, आज तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सुनने को ही आ मिल रहा है बस। यहाँ पर पहले मुरम का रोड था और जो आज सांसद जी बने हुए हैं माननीय विजय बघेल जी, तो जब वो अध्यक्ष बने उस समय कुछ रोड बना के दिए थे, नगर पालिक बना चरौदा, उस समय कुछ रोड वो बना के दिए थे। उसके बाद वो रोड का क्या परिस्थिति हो गया, आज 15 साल से ऊपर हो गया, उस परिस्थिति को आप स्वयं देख सकते हैं। उधार करने वाले चाहेंगे तब ना उधार होगा। पानी की व्यवस्था यहाँ पे, पानी की व्यवस्था चलिए ना, अभी तो एक आदमी मछली डाल दिया है वहाँ पर। कहाँ पे? ये जस्ट बाजू में जो मेन रोड है ना, वहाँ बाजू में मछली पोस दिया है, एक आदमी डाल दिया। अच्छा, गड्ढे में जो पानी भरा हुआ है। हाँ हाँ, तो अपना व्यवसाय चालू कर दिया उसने। हाँ, व्यवसाय के नाम से डाला है। आज ट्रांसपोर्ट नगर को जी रोड से आके बसे 25 साल हो चुके हैं। इस 25 साल के दौरान में 5 साल कांग्रेस सरकार रही योगी जी की, जो इस ट्रांसपोर्ट नगर को एक चमन बनाना चाहते थे, उनके कार्यकाल में इस ट्रांसपोर्ट नगर का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में 15 साल भाजपा सरकार रही, उसके कारण के कार्यकाल में भी ट्रांसपोर्ट नगर जैसा ही आज कीचड़ से भरा, गड्ढों से, जो ट्रांसपोर्ट नगर की दुर्दशा पे आज भी हर ट्रांसपोर्टर रो रहा है, जिसमें आज तक 15-20 आदमियों की दुर्घटना से मृत्यु हो चुकी है। अब भूपेश भाई की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार, जिससे पूरे ट्रांसपोर्ट नगर वासियों को काफ़ी उम्मीदें हैं। और आज ही एक मैसेज आया है कि इसरो का टेंडर का क्रिया चालू हो गई है, और हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस सरकार से और हमारे प्रदेश के मुखिया बघेल जी से कि इस ट्रांसपोर्ट नगर का आपने